प्रेजेंटिंग बाय बालाजी म्यूजिक मनोरथा। ब्राह्मण ने किसी को नानी बना दिया, किसी ने मासी बना दिया, कोई को भाभी बना दिया। कर्मा कहीं तारी नानी लागे भाभी लागे, जागरण खिचड़ो खाकर के आ गए। तू वहां खाकर के चला गया तो आप मेरे यहां भी तो आओ ना। भगवान मेरे गिरधर गोपाल को पता पड़ा कि मेरा भगत दुखी है, तो रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी मैं जाऊंगा भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान ने एक काष्ठकार का रूप बनाया। कोई मेहमान जाते हैं ना माताएं बहने, तो नए वस्त्र पहन करके जाएगा, सोना चांदी पायजब पायल वायल जो भी है, कि हम मेहमान में जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं। समाज में कैसा जाना चाहिए, समाज में कैसा जाना चाहिए वो तरीका याद होना चाहिए। और माता बहने, पांच आदमी के सामने भोजन कैसा जाना चाहिए वो भी आपको याद होना चाहिए। घर पर आप जैसा जला कला आप पाओ वो घर की बात है, लेकिन पांच आदमी के सामने हम भोजन करवा रहे हैं वो कैसा पकवान जाना चाहिए, कैसा भोजन जाना चाहिए वो आपके ऊपर। और पांच आदमी में आप बैठो तो कैसा बोलना चाहिए कैसा नहीं बोलना चाहिए सोच समझ करके। यहाँ व्यासपीठ पर भी एक सोच विचार कर एक एक शब्द सोच करके बोलना पड़ता है, लेकिन सो बात हम कथा में सुनाएं तो आपको खोपड़ा में नहीं जमेगा। सो बात अच्छी बोलें तो आपको नहीं जमेगा, और एक व्यासपीठ से हम गलत शब्द बोल दें सबका खोपड़ा खराब हो जाए, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो आप यही बात मार रहे थे कि गलत शब्द बोले, कथा पर ध्यान देना चाहिए। और कथा ही ऐसी चाहिए, भागीरथी है, और भागवत को वही सुनेगा जो कोई भाग्यशाली है कोई पुण्यशाली है। लोहा चुंबक सही होगा तो चुपकेगा, और गलत होगा वो नहीं चुपकेगा, ये ध्यान रख लेना। आप बड़े धर्मात्मा है, आप बड़े पुण्यशाली, ये भगवान ऐसी कृपा करना कि जहां भी कथा भागवत हो एक दिन दो दिन चार दिन जितना भी समय दे, ऐसे समय मिलता नहीं आपको, आप समय निकाल करके आए, आपको मिलता नहीं है। और इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति का नाम ये संपत्ति है, ये वो दुकान वाली संपत्ति नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। समय निकाला यही संपत्ति है, यही तारने वाली है, ये भव तारने वाली है, ये नौका को भव से उस घाट को पार लगाने वाली है ये समय। और आप पधारे हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भगवान आए काष्ठकार का रूप बना करके, रुक्मणी ने फाटा टूटा कपड़ा पहन लिया, सोना चांदी पहना हुआ, शाम के समय आया और वही उठाई गिरा मिल गए जिनका नाम था हरिपाल। तो हरिपाल ने कहा कि घर बैठे गंगा ही है डुबकी लगाओ, तो हरिपाल का ये विचार था कि ये आए ना ये काष्ठकार जो पति पत्नी आए ना उनकी नियत खराब थी, उनके विचार अच्छे नहीं थे, ये विचार थे कि ये सोना चांदी को मैं छुड़ा लू, छुड़ा करके बेच दू, और बेच करके मैं साधु संत ब्राह्मण को मैं भोजन करूं। भगवान ने पूछा कि हरिपाल कोई गांव में जाना है हमको, रास्ता भूल गए हैं। तो हरिपाल ने कहा हम रास्ता बता देंगे पर अभी नहीं बताएंगे, कब बताएंगे, अंधेरी रात हो जाने दो फिर बताएंगे, अंधेरा होने दो सूरज डूबने दो। तो रुक्मणी ने पूछा कि पतिदेव इसने अंधेरा का नाम क्यों लिया, रास्ता बताना तो बता दे, फलाने गांव का ही रास्ता है। अंधेरा हो गया और हरिपाल नाम का ब्राह्मण आया, रास्ते में चला, चलो हम रास्ता बताने के लिए चले। अब बीच झाड़ी आई, बीच नदी आई, महाराज मजदार आए, आए पेड़ पौधे हैं बड़े लगे हुए, महाराज डोंगर लगा हुआ पहाड़। तो हरिपाल ने कहा कि ए काश्तकार कि क्या तू इस गांव में पहली बार आया है, ये जंगल में भी पहली बार आया है, परिचित नहीं है, तो तेरी पत्नी से कह दे ये जितना जेवर एवर पहना हुआ है ना सोना चांदी पहना पोटली बांध करके मुझे दे दे। रुक्मणी ने कहा कि पति देव ये उठाई गिरा इसके चक्कर में मत आना, ये लेकर के भाग जाएगा, ये इसके चक्कर में मत आना, हम ये निवेदन करें थोड़े और चले
हम बोल रहे हैं कि चोर आने वाले हैं, उठाई गिरा आने वाले हैं, ये पोटली मुझे दे दो। उसने कहा कि हो सकता है पहली बार आए तो उस रुक्मणी ने सोना चांदी की पोटली बना लिया और कांख में रख लिया, छुपा लिया। बार 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 रुक्मणी ने कहा कि मेरी तरफ देखता है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। हम ये निवेदन करें, जिसकी नीयत साफ है, नीयत अच्छी होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। जिनकी नीयत साफ है, परमात्मा उसके ऊपर कृपा करता, रास्ता सब खुल जाता है। व्यक्ति की नीयत साफ होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, संस्कार आचरण अच्छा होना चाहिए। हम ये निवेदन करें। इधर उधर रुक्मणी देखने लगी तो चुपके से उसने, हरिपाल ने, ब्राह्मण जो था, सोना चांदी की पोटली उठा लिया और भागने लग गए चोरों चक्का की तरह। भगवान दौड़े, अरे रुक जा तू। भगवान ने अपना रूप दिखाया, अपना रूप दिखाया वापस मोर मुकुट पीतांबर वाला, और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण मैं तेरे लिए आया हूं सम्मान करने के लिए, तू मांग क्या मांग रहा है। जगत ठगे बार बार, जगत को ठगने वाले इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं ठगे। सबको ठगने का अलग अलग तरीका है। जगत ठगे बार बार, फिर राम ठगे एक बार, 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ में आ जाता है। हम जीवन का बर्ताव कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, कैसा जीवन का कल्याण धन्य बनाए हम, वो विचार करना चाहिए। उस ब्राह्मण ने क्या मांगा वो आप विचार करो। आज आपके जीवन में अगर ब्रह्मा जी मिल जाए, भोलेनाथ मिल जाओ, तो आप क्या मांगेंगे? आप अप्पू चप्पू मांगोगे, सोना चांदी मांगोगे, गाड़ा घोड़ी मांगोगे, छप्पन भोग मांगोगे, पर ये नहीं बोलोगे कि गिरधर गोपाल आप हमारे बन जाओ। हरिपाल ने क्या मांगा? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु भी भूखा ना जाए। रहने के लिए मकान दे देना, पहनने के लिए कपड़ा दे देना, और पाने के लिए 2 रोटी दे देना। लेकिन आज का व्यक्ति 2 रोटी के लिए इतना पापड़ बेलता है, इतना पापड़ बेलता है, क्यों चिंता करते हैं? बच्चे का जन्म नहीं हुआ, माता बहने के स्तन में दूध का इंतजाम कर दिया। दांत नहीं आए इसके पहले भोजन का इंतजाम कर दिया। मृत्यु नहीं आया इसके पहले शमशान तैयार, प्रतीक्षा कर रहा है। हम ये निवेदन करती है, भगवान ने क्या, भगवान से क्या मांगा कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा ना जाए। भगवान ने वापस जो राजपाट खोया हुआ था वापस हरिपाल नाम के ब्राह्मण को दे दिया। सोयाबीन के दाना 2 मुट्ठी डालोगे कितना पेड़ लगेगा खेत में, मन 2 मन डालोगे तो पूरा खेत हरा भरा हो जाएगा। हाथों से किया हुआ दान, हाथों से किया हुआ सत्कर्म, वाणी से बोला हुआ शब्द, ये कभी अकारित नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना, कभी अकारित नहीं जाएगा। संक्षिप्त में कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इनका प्रेम था, इनका भाव था, भगवान ने परीक्षा लिया। आपकी हमारी भी परीक्षा कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नाला का पानी निकलते निकलते, नाली का पानी निकलते निकलते वो बंद हो जाता है, और बंद क्यों हो जाता है कि कचरा आ जाता है, फिर कचरा आ जाता है, फिर सामना डंडा लेकर के आते हैं, उसमें नाले में चलाते, ध्यान रख लेना, नाले में चला देते। संक्षिप्त में कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कल रामपुरिया की पावन धरा पर आप सभी के मध्य में मेरे गोपाल का जन्म उत्सव मनाया। एक हर गांव में एक बच्चा बच्ची का जन्म उत्सव मनाते हैं, और ऐसा जन्म उत्सव मनाएंगे, गुब्बारा टांगेंगे, केक लाएगा 2-5 किलो केक लगा, और मोमबत्ती जलाएंगे, और मोमबत्ती जलाने के बाद ताली बजाएंगे, ताली बजाने के हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, और मोमबत्ती को दीपक को बुझाएंगे। तुम भारत में रहने वाले हो, तुम अन्न खाते हो, तुम छप्पन भोग पाते हो, जो संतों के देश के रहने वाले हो, यहां बुझाया नहीं जाता है, यहां चेताया जाता है, उसको जगाया जाता है। ऐसे कोई नौजवान हैप्पी बर्थडे मनाओ तो मना कर देना कि ऐसा हैप्पी बर्थडे मत मनाओ,
यहाँ दीप जलाना चाहिए, यहाँ सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, यहाँ ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, यहाँ कथा कराया जाता है, यहाँ भागवत कराया जाता है। ये कैसे हैप्पी बर्थडे? कोई आपके हाथ से पुण्य करे उस रोज, जन्म उत्सव मना रहे, उसका जन्म उत्सव हो रहा, इन हाथों से कोई शुभ कर्म हो कि हम संत के गले में माना पिला दे, के कन्या के हम भोजन करा दे, कि गौशाला में जाकर के हम घास डाल दे, ऐसा कोई पुण्य विचार आना चाहिए। ये हैप्पी बर्थडे वहां लिखाएगा नहीं, ये ध्यान रख लेना। अगर माला भी पहना दोगे तो वहां तो लिखाएगा, ये ध्यान रख लेना कि हाँ ये संतों का सम्मान किया। नंद बाबा के भवन में एक लाला का जन्म मनाया, 80 वर्ष की आयु में लाला जायो, और सारे साधु संत ब्राह्मण आए और कैसे उत्सव मना रहे हैं, भाव से श्रद्धा से कैसे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, परीक्षित। नंद बाबा के भवन में साधु संत ऋषि मुनि आ गए, गौ दान करने लग गए, वस्त्र दान करने लग गए, अन्न दान करने लग गए, सोना चांदी जैसा जिनका प्रेम था, जैसा जिनका बड़प्पन था, दान पुण्य किया। जब उत्सव की तैयारी चली तो उधर से कंस को पता पड़ा कि वृद्ध में उस आठवां पुत्र ने जन्म ले लिया है। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पुतना, और ये पुतना है ना पिछले जन्म में है ना, ये राजा बलि की कन्या थी और जिसका नाम था रत्नमाला।
जब बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए छोटा सा रूप बना करके, तो राजा बले की कन्या दरवाजे खड़ी थी और खड़ी खड़ी क्या बोल रही, ऐसा लाला मेरी गोदी में होता तो मैं दूध पिलाती। वो रत्नमाला बोल रही हूँ पुतना, ऐसा लाला होता मेरी गोदी में तुम दूध पिलाएंगे। तो बामन भगवान ने कहा तू चिंता मत कर पुतना, रत्नमाला मैं जल्दी दूध पीने के लिए आ रहा हूँ, मैं आऊंगा दूध पीऊंगा। कंस ने उनकी बहन का नाम था पुतना, और पुतना किसका नाम है, जिनकी कुविचार है, जिनके अच्छे विचार नहीं आए, जिनकी आचरण अच्छे नहीं आए। और हम माता बहने से निवेदन करें, माताएं बहने अपनी आंचल संभाल करके चलती है, माताएं बहने जब चलती हैं अपनी आंचल संभाल करके चलता है, और साधु ब्राह्मण आंचल नहीं वो अपने आचरण संभाल करके चलता है, ध्यान रख लेना। वहां आंचल है या आचरण है, सुधारने में समय लगता है, 50 साल लग जाए आपको सुधारने में, और बिगड़ने में कोई समय नहीं लगता है, ध्यान रख लेना। माताएं बहने आंचल संभालती है और संत ब्राह्मण आंचल आचरण संभालते हैं। आचरण आंचल बिगड़ जाएगा चलेगा, लेकिन आचरण बिगड़ जाएगा तो चलेगा नहीं, ध्यान रख लेना। आंचल बिगड़ जाए तो दोबारा हम इलाज विलाज करवा देंगे, लेकिन आचरण बिगड़ जाएगा चलने वाला नहीं है। जिनकी कुविचार, और पुतना आई ब्रज में और क्या बनकर के आई है, ये कन्हैया की मासी मौसी बनकर के आई है। मौसी सुंदर वस्त्र पहना हुआ है, सुंदर वस्त्र पहना है, रूप रंग अच्छा है। ब्रज में सन्नाटा छा गया, छोटे छोटे बालक को मारने लग गई वो पुतना। तो सखियों ने कहा कि आजकल की स्त्री का कोई भरोसा नहीं, लाला को संभाल करके रखना, कई देव देवता ढोका हमने, और 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के आंगन में छोटा सा लाला जाए हुए। नंद रानी भंडार में रसोई बना रही थी माता रानी, और उधर से वो आई पुतना सुंदर वस्त्र धारण कर, कन्हैया तू अब दूध पिएंगे, आमोसी में दूध पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, मौसी बना लिया उसे मौसी, लेकिन ये दूध पिलाने के लिए नहीं आई थी, ध्यान रख लेना, दूध पिलाने के लिए नहीं आई थी, क्या पीने के लिए आई थी, क्या पिलाने, अपने स्तन में है ना जेर लगा करके आई थी, जेर जेर लगा कर मारने के लिए आई, मारने के लिए। लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं, अब ध्यान से श्रवण करेंगे, आजकल के लोग कलयुग के लोग मुंह पर मीठे बनते, मुंह पर तो मीठे बनते, पीछे छोड़े बिस्के बाण, मुंह पर तो मीठे बनते हैं, हाँ जी हाँ जी गुरुजी करते हैं, मुंह पर मीठे बनते पीछे छोड़े बिस्के बाण, पैसों के खातिर लोग का डूब रहा ईमान, पैसों के खातिर डूब रहा लोगों का ईमान, कौन भला है कौन बुरा है ये मुश्किल में पहचान, कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। सांप से ज्यादा जहरीला आज का इंसान हो गया है। सांप का काटा तो बच जाएगा, लेकिन वाणी का काटा कभी नहीं बचने वाला। तलवार का घाव तो भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भर सकता। उन्होंने ऐसा शब्द बोला। पुतना आई जेर लगा करके, पुतना ने कहा कन्हैया अब दूध पिएंगे, कहा हाँ मौसी। पुतना ने अपनी गोदी में ले लिया लाला, आ जाओ। अच्छा दूध पिलाते माता बहने एक और काम करती है, कौन सा काम, कि पल्ला डाल देती है, मर्यादा का पालन है कि हमारे लाला के ऊपर किसी की नजर ना लगे, उन्हें पल्ला डाल दिया और स्तन को काने के मुख में दे दिया, और कन्हैया दूध नहीं पी रहा है, फिर क्या पी रहा है, वो पुतना का प्राण पिया, जो खुद मारने के लिए गई थी वो मर गई, आकाश मार्ग में राक्षसनी का रूप धारण किया और लाला को उठा ले गई आकाश में, और मेरे लाला ने अपने चरण का स्पर्श किया, धमाका की दी, उसका उद्धार कर दिया। नंद रानी नंद बाबा ग्वाल बाला है, कन्हैया मर गया, कन्हैया कहां, ढूंढने लगे महाराज। जब पुतना पड़ी हुई थी सोई हुई थी तो लाला तो दूध पी रहा है, वहां पर लाला दूध पी रहा है, मेरा कन्हैया बड़ा, कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है, जिन्होंने जाना जिन्होंने पहचाना वो परमात्मा की आराधना प्रार्थना करके जीवन को धन्य बना लिया,
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि राजन वृंदावन में उत्सव मना रहे और दर्शन करने आ रहे साधु संत ब्राह्मण, आइए संक्षिप्त में मेरे भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आ रहे वृंदावन के। और मेरे भोलेनाथ कैसे जा रहे हैं नंद बाबा के भवन में, भोलेनाथ कैसे? ए जटा मुकुट में गंग बिराजे, चंद्रमा मुकुपर है, गलमुंडल की माल बिराजी, रूप किया अवकारी है। 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 सात चक्र त्रिशूल बिराजे, आदि शक्ति दुर्गा में है। सात चक्र त्रिशूल बिराजे, आदि शक्ति दुर्गा में है। सात चक्र त्रिशूल बिराजे, आदि शक्ति दुर्गा में है। सात चक्र त्रिशूल बिराजे, आदि शक्ति दुर्गा में है। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल। दोनों कड़े हाथ करके ताली बजाए भाव से। सामने खड़े मेरे भोलेनाथ। अच्छा, कृष्ण कन्हैया का और भोलेनाथ का एक जन्म का रिश्ता नहीं है, अनेक जन्म का रिश्ता, अनेक जन्म का।
भोले बाबा आए आंगन में भिक्षा लेकर के, नंद रानी हीरी जवरत लेकर के चली। और भोले बाबा ने क्या बोला, नहीं चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया री, तेरे लाल के दर्शन करा दे, ये योगी तो काशी से चल करके आया रे, हम कोई हीरे जवरत मांगने के लिए नहीं, सोना चांदी मांगने के लिए नहीं, हम तो लाला के दर्शन करने के लिए आए। लेकिन जितने ग्वाल बाल थे ना वहां पर, ग्वाल बाल जितने ग्वाल बाल थे, वो क्या बोल रहे, ये बाबा है ना, ये बाबा ये साधारण बाबा नहीं है, फिर कौन सा बाबा है, ये हाथ में डमरू लेकर के आया, तो कहीं रामपुरिया में कहीं मदारी तो नहीं आ गया, नहीं नहीं मदारी नहीं आई, फिर क्या है कि इसके हाथ में एक त्रिशूल भी है, तो कहीं कहीं शिकारी तो नहीं आ गया, नहीं शिकारी भी नहीं आए, फिर क्या है कि इनके गले में है ना एक सर्पों की माला है, तो कहीं 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 सपेरा तो नहीं आ गया, नहीं सपेरा नहीं आए। सब ने ग्वाल वाल ने अपना अपना भाव प्रकट किया, कोई ने क्या बना दिया, कोई ने क्या बना दिया, कोई ने क्या बना दिया। नंद बाबा के भवन के सामने लाला के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर, हम लाला के दर्शन करेंगे। दास दासियां ने कहा कि ये बाबा बड़ा चतुर रही, कि क्या ये दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, चेला बनाने के लिए आए, चेला बनाने के, कोई खोटा काम करे, अत्याचार करे, पापाचार करे, दुराचार करे, लोग भाव से कोई बदनाम नहीं करे, और हमारे सामने हमारे साथ में कोई बाबा बन जाए, सबकी नजर कर बाबा बन गया, ये बाबा चोरी करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, उठाई गिरे काम करेगा, उनके ऊपर उंगली कोई नहीं दुखाए, कोई भी नहीं देखे। हम ये निवेदन करें, सभी ग्वाल वाल ने कोई क्या अपना भाव प्रकट किया। नंद बाबा नंद रानी ने कहा कि बाबा खड़ा है, इनको दर्शन करा दो। तो हमारी माता बहने जब छोटे छोटे लाला को श्रृंगार कराती, पाउडर लगाती, तिलक लगाती, छाप लगाती हैं, मोर मुकुट पीतम्बर पिनाया, तो हमारी माता बहने क्या करती हैं, एक काजल भी आनती हैं आंखों में, इधर टीले लगा दिए, इधर लगा दिया, उधर क्यों लगाती हैं कि किसी की नजर ना लगे। अब आजकल कलयुग में इतनी नजर चलती महाराज, इतनी नजर चलती, नजर बहुत चलती है। एक किसी व्यक्ति ने गाड़ी के पीछे लिखा ट्रैक्टर, हमारे ड्राइवर लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये लिखते बहुत कि बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, लिखते हैं वहां पर कि बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। और एक व्यक्ति क्या लिखता है कि बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला नहीं, तेरा भी हो भला, तेरा भला। अब उसका काला है तो उसको काला जो काला, हमारा काला क्यों करे, तेरे ही काला रहने दे। बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, तेरा भला हो। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या लिखा, जलते रहो जलते रहो, जल करके तू खाक हो जाएगा, जलते रहो तू खाक हो जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा जलने वाले। सबसे बड़ी बीमारी यही है, दो प्रकार से व्यक्ति दुखी है, और दोनों दुख का कारण क्या है, एक व्यक्ति अपने कर्म से दुखी है और दूसरा व्यक्ति दूसरों को सुख को देख देख करके दुखी होती है। अब इसका इलाज हमारे पास क्या है, वो पता नहीं ये कर्म कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। जलते रहो मगर एक दीपक की तरह। सबसे बड़ी बीमारी है ईर्ष्या, ये जीवन कपड़ा है, और ईर्ष्या रूपी कतर नहीं लेकर के हम एक दूसरे को काटने लग जाती है, एक दूसरे को काटने लग जाते। भोलेनाथ, भोलेनाथ दर्शन की प्रतीक्षा करे, लेकिन माता जी ने काजल आन दिया। कोई कोई का सुंदर मकान रहता है ना, मकान 4-5 लाख 10 लाख का, कोई कोई मकान के सामने काली चप्पल टांग दे, मकान के सामने दरवाजे की, चंद दरवाजे पर स्वस्तिक मांडा जाता है, दरवाजे के ऊपर लाभ शुभ लिखा जाता है, दरवाजे के ऊपर रिद्धि सिद्धि मांगा जाता है। पहले के जमाने हमारी माता बहने है ना, हल्दी से स्वस्तिक मांगती थी, हल्दी का ये शुभकारी है, ध्यान रख लेना कि मकान की दरवाजे किया हल्दी का स्वस्तिक बनाना चाहिए, ये शुभ संकेत है। पहले के लोग स्वस्तिक बनाते थे, अब फिर बाद में ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो फिर लाभ शुभ लिखने लग गए, जहां लाभ होगा, अब लाभ शुभ भी भूल गए, फिर रिद्धि सिद्धि लिखने लगा, फिर ज्यादा पढ़ना पढ़ाई किया नौजवानों ने, माताएं भी आजकल की पढ़ी लिखी आने लग गई तो इन्हें लाभ शुभना भी बंद कर दिया,
रिद्धि सिद्धि भी लिखना बंद कर दिया, अब दरवाजे पर क्या लिखेगा? वेलकम। वेलकम लिखते कि हम पढ़े लिखे हैं। ऐसे शास्त्रों में गीता में भी कहा गया कि मकान के आगे स्वस्तिक का चिन्ह अगर बनाया है, एक बार तो मौत भी स्वस्तिक को चिन्ह के देकर के टल जाएगा। स्वस्तिक का चिन्ह जरूर होना चाहिए माताएं बहने, लेकिन भारतीय संस्कृति दिनों दिन लुप्त होती जा रही है। हम कथा में जाएं, ताली बजाएं, नाचे ठुमका लगाएं, लेकिन संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं। हमारी कथा संस्कारों के साथ चलती है। संस्कार भी होना जरूरी है, ज्ञान तो अच्छा है लेकिन संस्कार भी होना जीवन में। परमात्मा की आराधना प्रार्थना करने के लिए संस्कार भी होना चाहिए। तो मेरी नंद रानी ने, अच्छा गांव में बाबा आते हैं ना, तो हमारी माताएं बहनें क्या बोलती हैं छोटे छोटे बच्चों को कि नाना रोना गाना बंद कर, बाबा पकड़ ले जाएगा। ये संस्कार देती हमारी माताएं बहनें कि नाना रोना गाना बंद करके बाबा पकड़ ले जाएगा। और एक माता ने क्या, बाबा पकड़ ले जाओ, पकड़ ले जाओ। अब पकड़ के ले जाएंगे तुम वहां पपड़ी चौकी में जाओगे, अब पकड़ करके हम तो बाबा ही बनाएंगे, अब बाबा भी बना लेंगे तो तुम्हारा ही रामपुरिया का धन्यवाद होगा, सात पीढ़ी बहु सागर से तर जाएगा। अब एक माता जी क्या बोले कि बाबा ए नाना रोना गाना बंद करके क्या कि बाबा खा जाएगा। अच्छा बाबा खाते भी आजकल, ये संस्कार देती है कथा में, ऐसे संस्कार नहीं देना चाहिए। माताएं बहने अगर संस्कारी होगा तो बच्चा भी संस्कारी निकलेगा। और माता पिता संस्कारी नहीं आए, जैसे को तैसे मिले, मिले गुड़ में खांड, जैसे माता पिता आए और ऐसे बाल बच्चे। महाराज सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित, ले बालक निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया री। सात बार परिक्रमा करके योगी ने सिंगी नाद बजाया री, बाबा दर्शन करना मेरे लाला का। और लाला का दर्शन करते करते क्या बोले, सूरदास बेकुंठ धाम में धन्य सोमति माया री, तीन रोका करता हरता ये तेरी गोदी में आया री। ये लाला साधारण नहीं है। आप भी कथा में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करो कि हे गिरधर गोपाल, आप मेरी गोदी में आओ, मेरे गर्भ में आओ, तो तुम गोपाल बन करके आ जाना, राम बन करके आ जाना, कबीर बन करके आ जाना, तुलसी बन करके आ जाना, ब्राह्मण बन करके आ जाना, साधु संत बन करके आ जाना, ऐसी प्रार्थना करके जाना। यहाँ पर जो आपको भी तार देगा, परिवार को भी तार देगा। 21 पीढ़ी जो नरक में पड़ी हुई है वो स्वर्ग में ले जाने का प्रयास करेगा, ये ध्यान रख लेना। महाराज सुखदेव कहते कि राजन परीक्षित, कथा में संक्षिप्त में क्रम को बढ़ाते हुए, कृष्ण बलराम जब बड़े होने लगे तो गर्गाचार्य जी महाराज आए नामकरण करने के लिए। जब जन्म होता है तो हमारे ब्राह्मण देवता के पास जाते, कोई कुल पुरोहित है, कुल गुरु हैं, जैसे गांव के भटजी महाराज है उनको बुलाते हैं, हमारे बाल बच्चा का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया नंद बाबा ने कि बाबा हम यादव वंश के हैं और आप ब्राह्मण हो, हमारे हाथ का भोजन नहीं करते हो आप। शकेति मत्वा प्रतबंध युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे शकेति, अजानता मय मानंत वेदम मया प्रमाया प्रणय नमापि। हम यादव वंश के, आप ब्राह्मण हमारे हाथ का भोजन नहीं करोगे। पहले के साधु संत ब्राह्मण किसी के यहां भोजन करने के लिए नहीं जाता, अगर ज्यादा ही प्रेम भाव आए तो सामने वाला जिजमान आटा संभाल दे देता कि जाओ घर पर आपके महिला मंडल माता बहने बना करके। अब आज के साधु संत ब्राह्मण को बनाने का काम होगा, कौन चूल्हा फूके? जिजमान से कहते कड़ी बना लो, पूरी बना लो, कौन बनाएगा, कौन मेहनत करेगा? हर व्यक्ति इंसान दुखी है, चाहे कोई भी समाज हो, छोटा हो बड़ा हो, क्यों दुखी है? सबने अपना अपना कर्म को छोड़ दिया, कर्म से दुखी है। कर्म प्रधान विस्कर राखा, जो जस कर वही तस्फल चाखा। ब्राह्मण देवता ने भोजन बनाया, गोपाल के मंदिर में गए, आओ गिरधर गोपाल। तो भगवान ने कहा, पलने में झूल रहे थे कि आज तो ब्राह्मण की अनोता आया, मैं जाऊंगा। पर्दा खींचा, दोनों हाथों से खीर का सबड़का लिया। ब्राह्मण ने सोचा कि भोग लग गया होगा, पर्दा खोला, सारा भोजन झूठा कर दिया। किसने? अहेर का छोकरा ने, नंद का छोकरा ने। ब्राह्मण नाराज हो गया, क्यों नाराज हो गया?
ये ब्राह्मण ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, चार वेद पढ़ा, 18 पुराण पढ़े। वो तो सोचता कि मेरे समान ऐसा संसार में कोई नहीं है, अहंकारी था। ब्राह्मण के अहंकार को तोड़ने के लिए बार बार पर्दा खींचता है, ब्राह्मण नाराज होने लग जाता है। नंद बाबा हम भोजन नहीं करेंगे, क्यों? तुम्हारा छोकरा है ना, शरारती करता है। तो नंद बाबा, नंद रानी ने कहा कि लाला कि क्या तू शरारती मत कर, क्यों? शरारती करेगा तो कोई छोकरी भी नहीं देगा तुझे, कुमारा रह जाएगा, गांव बदनाम हो जाएगा कि ये तो शरारती करता है, उदम करता है। आजकल शादी मांडा करने के लिए जाते हो आप, मकान देखते हो, दुकान देखते हो, गाड़ी घोड़ा देखते हो, पढ़ा लिखा देखता हो, पर यह भी देखना चाहिए कि कहीं इसके आचरण बिगड़ा तो नहीं है, कहीं गलत चाल चलन तो नहीं है। व्यक्ति की पहचान कोई मकान दुकान से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान कोई ज्ञान गीता से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके हाव भाव से हो जाती है कि इसका क्या हाव भाव है। कोई नौजवान चल रहा है, चलती चलती उसकी परख कर ले कि तांबा है कि पीतल है कि लोहा है कि सोना है कि चांदी है, चलते चलते। ज्ञान गीता से पहचान नहीं होती कि बहुत अच्छा बड़ा है, अंदर से बड़ा होना चाहिए, कर्म से बड़ा होना चाहिए। हम जाति से तो मान बन जाते हैं लेकिन कर्म से मान नहीं बनते। हम ये निवेदन करना चाहते हैं, एक बार दो बार तीन बार गए लेकिन अभिमान था उस ब्राह्मण के अंदर। तो कृष्ण कन्हैया ने सोचा आज मैं विराट रूप के दर्शन करूंगा। विराट रूप का दर्शन करवाया, ब्राह्मण के अहंकार को थोड़ा क्षमा याचना किया। ब्राह्मण देवता वेद जानते हैं और संत महात्मा वेद पुराण नहीं जानते, ध्यान रख लेना। ब्राह्मण के चार वेद और संतों का पांचवा वेद, और पांचवा वेद का नाम क्या है? परमात्मा का भेद। ब्राह्मण देवता वेद जानते और संत महात्मा ऋषि मुनि परमात्मा के राज को जानते हैं, लेकिन भेद उसी को दिया जाता है जो विश्वास पात्र है। माता पिता भी चाबी उसी को देगा तिजोरी की जो बात माने, नहीं तो ऐसे को चाबी मत दे देना जो जो माता पिता ने बनाया है वो सब बंगे लगा दे। जो विश्वास पात्र है उसको दिया जाता है कि परिवार चला सकता है, परिवार को धन्य बना सकता है। लेकिन संक्षिप्त में कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण के अहंकार को तोड़ा, और अहंकार को तोड़ने के बाद भगवान ने माखन पाया, राज रचाया, कालियानाग के अहंकार को तोड़ा, कंस अगासुर बगासुर सड़कासुर को भेजता है, भगवान ने सब राक्षसों का वध किया। इधर संक्षिप्त में नंद बाबा के यहाँ एक इंद्र यज्ञ होता था, और जहाँ इंद्र यज्ञ होता है वहाँ ध्वजा पता का तोरण लगाते। तो कृष्ण बलराम ने पूछा कि बाबा ये उत्सव क्यों मना रहे हैं? हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र क्या करेगा? बरसात करेगा, पानी बहाएगा। लेकिन इंद्र को अहंकार था कि मैं अगर बरसात नहीं करूं तो क्या करे। तो कृष्ण बलराम ने इंद्र का अपमान किया, एक गोवर्धन भगवान का पूजन किया, पर्वत को पूजन किया, ध्वजा पता का दूध दही मेवा मिष्ठान मंगवाया। आइए संक्षिप्त में गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। दूध दही माखन लाए, कैसे पूजन करेंगे मुख्य यजमान, और सब बैठ करके आनंद लेंगे। एक बार जोर से जयकार बोलेंगे, बोले गिरा धरण की जय, गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज रायो, तेरे माते मुकट विराज रयो। तेरे माते मुकट विराज रयो, तेरे माते मुकट विराज रयो। तेरे माते मुकट विराज रयो, तेरे माते
नहीं
माने मेरो मनवा मैं तो मन को जाओ मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोबर धन को जाओ मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा मारा गिरधर गोपाल ने कमारे कमा मारा गिरधर गोपाल ने कमारे कमा मारा मदन गोपाल ने कमारे कमा मारा मदन गोपाल ने कमारे कमा हे यशोदा के लाल ने कमारे कमा यशोदा के लाल ने कमारे कमा हे श्याम के तो भैया ने कमारे कमा शाम के तो भैया ने कमारे कमा मारा केशव माधव ने कमारे कमा मारा केशव माधव ने कमारे कमा ए कमारे कमा आहा कमारे कमा कमारे कमा ओह कमारे कमा ए मुरली बजैया ने कमारे कमा अरे मुरली बजैया ने तो कमारे कमा ताली ताली कमारे कमा ए मुरली बजैया ने कमारे कमा हरी मुरली बजैया ने कमारे कमा ओ नागे नथैया ने कमारे कमा